तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। ये तो बीजेपी ने किया है और ये हम लोगों ने किया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और याद रखो लोग बहुत समझदार हैं, यहाँ जो आप सभा में बैठे हो एक एक व्यक्ति पूरे देश दुनिया की राजनीति को समझता है। अब आपको आकलन करना है, हमारा उम्मीदवार बेहतर, हमारी पार्टी बेहतर, हमारी सोच बेहतर, हमारा भविष्य बेहतर और हमारा काम करने का तरीका बेहतर। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, अगले 21 दिन तक, जैसा मुकेश जी ने कहा, 21 दिन की मेहनत आपको करनी है और फिर 5 साल की मेहनत दोबारा मुकेश जी करेंगे। और मुकेश भागर वो व्यक्ति है, मैं व्यक्तिगत बोल सकता हूँ, आज मैं 2 दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में गया था, मैं नामांकन भर दिया अपना और आज मैं चुनावी अभियान में निकला हूं। और पहले दिन आज मैं आपके बीच में आया हूं, बड़ी सभा हमारी हो रही है, मैं आप लोगों से आश्वासन चाहता हूं, चाहे कोई चुनाव लड़ लो, और कुछ तो ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव नहीं जीतना, उनको मुकेश भागर की 500, 700, 800, 1000 वोट खराब करनी है। मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर, इन सब लोगों से सावधान रहना है। मुख्य मुकाबला हमारा भाजपा से होता है, तो कृपया करके अपनी वोट जाया ना करें, एक एक वोट की कीमत है। और जो माहौल में देख रहा हूं पूरे प्रदेश में, ये 30 साल का जो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का जो चलता आ रहा है, उसको विराम देना पड़ेगा। और लोगों का मन है इस बार कि दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बने, ताकि बहुत दुबी ताकत से आपके बीच में काम कर सके। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी है वो भी इस बात को जानते हैं कि इस बार मामला टाइट है। हिमाचल प्रदेश में थी डबल इंजन की सरकार, वो इंजन फेल हो गया। कर्नाटक में थी डबल इंजन की सरकार, वो इंजन फेल हो गया। तो भाई यहाँ राजस्थान को बख्श दो, यहाँ डबल इंजन नहीं चाहिए, हमारा अपना इंजन बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम लोग आपके बीच में काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और मेरी बात याद रखना, तेलंगाना में भी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और ये सब सरकारें राजस्थान और 4 राज्यों में बनेगी, और अगले साल चुनाव लोकसभा के होंगे। वहां हमारा इंडिया गठबंधन वो मजबूत होकर उभरेगा, और 10 साल का कार्यकाल देख लिया, अब इनको जयराम जी की बोलो, और 2024 में यहाँ पर हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये एक बहुत कीमती है, मुकेश जी बोल रहे थे फौजी के बेटे हैं, मैं भी फौजी का बेटा हूं, मैं फौजी का पोता हूं, और मैं खुद फौजी हूं, इसलिए आपको बोल रहा हूं कि लोगों ने जो नीति बनाई है, वो 4 साल वाली भर्ती, कौन सा वीर है, अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना बनाई, जो बच्चे मेहनत करें, मुश्किल मुश्किल से नौकरी पाए और 4 साल में नौकरी खत्म करके घर भेज दो, ये जो है ये राजस्थान के साथ धोखा, देश के साथ धोखा है। आपको नीतियां बनानी है, मन मर्जी करो, लेकिन फौज के संगठन के साथ, भर्ती के साथ, किसान के आमदनी के साथ आप धोखा नहीं कर सकते। हमने मांग रखी थी कि एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए, इन्होंने कानून बनाया कि मंडियों को खत्म कर दो। आप कल्पना करो, इस देश में अगर मंडियां बंद हो जाएंगी और 2, 4, 5 लोग व्यापारियों के हाथ में पूरे देश के भंडार और खदान और खरीद हाथ में आ जाएगी, तो क्या होगा 10 साल के बाद? मन माना तो वो करेंगे, और 1.5 साल तक किसानों ने धरना दिया दिल्ली के अंदर, तब जाके केंद्र सरकार ने वो तीनों काले कानून वापस लिए। हमारे बच्चे बच्चियां पहलवान कितने दिन बढ़ रहे दिल्ली के अंदर, इनकी आंख में आंसू नहीं आए, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, इनके सर पे जू नहीं रहेंगे, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, लंबे चौड़े भाषण देना, लचीले भाषण देना, इश्तिहार देना, रेशम की झंडियां टांगना, मंदिर में जब की बात करना, गृहणियों को बहकाना, जिस बातों के साथ लोगों का वोट बटोरना, और 5 साल फिर भूल गया। 5 साल से बीजेपी विपक्ष में राजस्थान में, मैं पूछना चाहता हूं, 5 सालों में आपने जनता के कौन से मुद्दे उठाए? हम विपक्ष में थे जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, एक दिन चैन की नींद सोने दी मैंने उन लोगों को, उन्होंने जो काम राजस्थान में किया, जनता की आवाज बनना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। इसलिए साथियों ये निर्णायक घड़ी है, 25 तारीख को मतदान होगा, आप सबकी वोट, 36 कौमों की वोट, 4 धर्म के लोग मिलकर संकल्प ले लें कि हम कोई वोट खराब नहीं करेंगे। संदेश दिल्ली जनता को जाना चाहिए
कि मुकेश बाकर जी पर हमने पहले विश्वास किया था, इनके काम के आधार पर, इनकी ईमानदारी के आधार पर नौजवानों को इकट्ठा कर आगे जाने का रास्ता उन्होंने दिखाया है, उसके आधार पर हमें दोबारा इस पंजे के निशान पर बटन दबाकर 25 तारीख को भारी बहुमत से मुकेश बाकर जी को जिताना है। मैंने मुकेश जी का काम करने का तरीका देखा है, कुछ छोटे मोटे ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो तो किसी मंत्री के पूरे प्राणी पे जाता जब तक काम नहीं होता। मैंने देखा सचिवालय में देखा है, मंत्री के घरों में देखा है, तो अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता 24 घंटे उन्होंने करी है। और जो कोई इनसे अगर ताल्लुक नहीं भी रखता था तो भेदभाव नहीं किया कि भाई तू मेरे साथ था या नहीं था, तो फला समाज का फला जाति का जो जिनके पास आया उसका खुला मन से काम किया। और राजस्थान में आने वाला भविष्य आप सब लोगों का है, आने वाला भविष्य किसानों का है, नौजवानों का है, इसलिए इस नौजवान को दोबारा हमारे साथ विधानसभा भेजो ताकि वहां बैठकर जब सरकार हमारी बनेगी तो उसमें निर्णायक भूमिका मुकेश भागवत जी की भी होगी। मैं आपको बोल सकता हूं अब मुकेश और कुछ किसान का बेटा तो है, और जो मुंह से बात निकल जाती है और जो ठान लेते हैं उससे कोई तस्से मस नहीं होते, ये किसान की पहचान होती है। इस बात का भी आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा कि अपनी बात पर अडिग रहने वाले व्यक्ति, एक नौजवान व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति जो सबको साथ लेकर चला है। मैं देश में कितनी जगह जाता हूँ, जिस शहर में जाता हूँ, जिस राज्य में जाता हूँ, वहां मुझे दो चार पांच लोग ऐसे मिल जाते हैं जो छात्र संघ के इनके पुराने साथी हैं और मुझसे पूछते हैं, पिछले दो तीन महीने में गया था कर्नाटक हैदराबाद, जहां मैं गया हूँ वहां कुछ लड़कों ने आके मुझसे पूछा साहब मुकेश जी का क्या रहेगा। मैंने कहा भाई मुकेश जी ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और मुकेश की जनता उनको जिताएगी, ये मैं बोल के आया। ये मैं आप सबसे बिना पूछे जहां मुझे देश में कोई मिला मैं ये कह के आ गया हूँ आपके आपके भरोसे पर, इसलिए आज पहली सभा मैं लांडी में कर रहा हूँ। अब आप सब यहाँ शांति से बैठे तो हो, लेकिन इस शांत बैठने से चुनाव जीता नहीं जाता। जोरदार तालियां बजाइए मुकेश भागवत जी के लिए, जीत रहे हैं, हमारे बहुमत से जीत रहे हैं। मैं साथियों आपसे इतना आग्रह करूंगा कि अभी चुनाव शुरू हुआ है, नामांकन 6 तक होगा, 9 तक प्रक्रिया चलेगी, अगले 21 दिन तक हम सबको मुकेश भागवत बनकर क्षेत्र में खड़े रहना है। हमारी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ आपका बेटा भतीजा है, अपना आशीर्वाद दो, लेकिन 21 दिन चुनाव को गंभीरता से लेना है, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले आपस में बंटवारा पैदा करने की, आपस में टकराव पैदा करने की, और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती भी है, मजहब और धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं टकराव पैदा करने की कोशिश करते आए हैं। हमें सावधान रहना पड़ेगा और सबका आशीर्वाद लेकर खुले माहौल में अच्छे मन से एक ऐतिहासिक जीत यहाँ से आप रजिस्टर कराओ और आप जिताकर मुकेश जी को भेजो, बाकी मुकेश जी के भविष्य की चिंता मेरे पे छोड़ दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय लाडलू क्षेत्र की जनता के लिए बहुत भला समय होगा। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर ये संकेत दिया है कि हम लोग बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथियों मैं मुकेश जी आपके बीच में यहाँ पर आए हैं और 3 तारीख को मतगणना होगी, 3 दिसंबर को, और मैं भी और आप सब बैठे टीवी देख रहे होंगे उस दिन, मैं अपने यहां भी विधानसभा में देख रहा हूँ कौन कितने से लीड कर रहा है। लेकिन अगर 3 तारीख को लाडनू विधानसभा क्षेत्र से जीत हुई और कमजोर जीत हो गई, फीकी रह गई, तो मजा नहीं आएगा। जीत होनी चाहिए मोटी और ऐसी जीत हो ताकि अगले लंबे समय तक लोग याद रखें कि हम लोगों ने आपसे निवेदन किया था, उस निवेदन को आपने स्वीकार किया है। तो मेरा आपसे अंत में निवेदन है कि हम सब अपनी अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ खड़े कर मुकेश जी के समर्थन में विश्वास दिला दें कि भारी बहुमत से यहां से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। हम सब लोग आरएनए पायलट साहब, हम सब लोग यहां से बस स्टैंड होते हुए नामांकन के लिए चलेंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूं उसके बाद घर पे खाना है। एक बार आप सब लोग मेरे साथ वहां एसडीएम कार्यालय तक आशीर्वाद देने चलें, ये मैं सबसे निवेदन करता हूं। सब लोग इस बात पे ध्यान रखें
कि किसी को भी सीधा घर पे नहीं पहुंचना है, सबसे पहले अपना नामांकन दाखिल मुकेश भाकर के साथ करके और फिर घर की ओर खाने के लिए प्रस्थान करना है। इस बात को सभी अपने मन में रखें, अपनी जिम्मेदारी समझें कि पूरे की पूरी जन सैलाब को एसडीएम कोर्ट में नामांकन दर्ज करने के लिए आदरणीय पायलट साहब और मुकेश भाकर के साथ हम सबको चलना है।